हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और आज के मिस हेल टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को हम सब यूज़ करते हैं अपनी त्वचा के लिए, बालों के लिए, और कई लोग इसे एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। आज हम जानेंगे विटामिन ई के कमी के लक्षण कौन से हैं, विटामिन ई के फायदे क्या है, विटामिन ई से भरपूर आहार क्या है, और विटामिन ई के सप्लीमेंट को कब, क्यों और कैसे लेना चाहिए। मॉडर्न साइंस क्या कहता है विटामिन ई के कमी के बारे में, ये भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो सारे पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं विटामिन ई के कमी के लक्षण। जिन लोगों में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, फैट सही तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ऐसे लोगों में विटामिन ई की कमी देखी जाती है। तो विटामिन ई के कुछ लक्षण हैं जो हमारे शरीर में अगर दिखे तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए। सबसे पहला है कि विटामिन ई की कमी की वजह से आँखों में धुंधलापन हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। दूसरा है कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तीसरा है कि हमारी पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करने लगता है विटामिन ई की कमी। तो यह खासकर हाथ और पैर में दिखाई देता है। हमारे हाथ और पैरों में कमजोरी महसूस होती है और दर्द महसूस होता है। इसका नेक्स्ट है लक्षण कि यह हमारे बालों में डैंड्रफ, रूखापन, ड्राइनेस की समस्या को बढ़ा देता है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी अगर ज़्यादा कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमें यह एटेक्सिया जैसी समस्या दे सकता है। इसमें होता यह है कि हमारे शरीर के मूवमेंट पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो यह अगर लक्षण हमें दिखाई दे तो हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसके फायदों के बारे में। विटामिन ई एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर है। यह हमारे शरीर में कई तरीके से फायदेमंद है। सबसे पहला फायदा है इसका कि यह हार्ट स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमना, और यह विटामिन ई हमारे शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद करता है। कई शोध बताते हैं कि अगर हम ओमेगा 3 सप्लीमेंट के साथ विटामिन ई को लेते हैं तो यह हमारे शरीर में इन सारी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। दिल से जुड़ी सारी बीमारियों को दूर रखने में भी मदद करता है। तो दिल के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है विटामिन ई। नेक्स्ट फायदा है इसका कि यह पीरियड्स के दर्द में भी काफ़ी फायदेमंद है। आजकल हमने देखा है टीनेजर्स गर्ल्स में पीरियड में दर्द, क्रैम्स की काफ़ी समस्या बढ़ चुकी है, और यह दर्द इतना खतरनाक होता है कि कुछ कुछ लड़कियां तो रोने लग देती है। तो इस बीमारी को कहते हैं डिसमेनोरिया। तो इस डिसमेनोरिया की दिक्कत को कम करने में विटामिन ई काफ़ी फायदेमंद है। कुछ नहीं करना है आपको, विटामिन ई से भरपूर आहार लेना है। नेक्स्ट है इसका फायदा कि यह नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या के इलाज में भी काफ़ी फायदेमंद है। आजकल हमने देखा है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है। जो लोग अल्कोहल नहीं लेते, ड्रिंक नहीं करते, उनको भी फैटी लिवर की समस्या हो जाती है, और यह सब होता है हमारे खान पान की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। जो हम खाते रहते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी नूडल्स, तो इन सब का जो फैट होता है वो हमारे शरीर में सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो यह फैट हमारे लीवर के अंदर जमने लग जाता है और इस वजह से हमें फैटी लिवर की समस्या हो जाती है। तो फैटी लिवर की समस्या को दूर रखना है तो विटामिन ई काफ़ी फायदेमंद है। यह हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल को कम कर हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नेक्स्ट फायदा है इसका कि यह हमारी त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारी त्वचा को ग्लोइंग बनाने में काम करता है, हमारी त्वचा की झुर्रियाँ कम करने में मदद करता है, हमारी त्वचा की ड्राइनेस, इचिनेस को कम करने में मदद करता है, और हमारे स्किन के टेक्सचर को सुधारने में मदद करता है विटामिन ई। और विटामिन ई कई सारी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है स्किन केयर के। तो विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है विटामिन ई। आप अगर कोई डेली मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं उसमें अगर विटामिन ई के 2-3 ड्रॉप्स डाल दें और इसे अगर डेली यूज़ करते हैं तो 15 दिन में आप अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा फायदे देखेंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ना यूज़ करें, क्योंकि ऑयली स्किन पर यह पिंपल्स और एक्ने की समस्या दे सकता है। नेक्स्ट फायदा है इसका कि हमारे बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारे बालों में अगर ड्राइनेस है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, या फिर इचीनेस है, इस सारी समस्याओं में भी काफ़ी फायदेमंद है विटामिन ई। अगर विटामिन ई को हम अपने डेली ऑयल के साथ स्काल्प पर लगाते हैं
तो यह हमारे बालों की समस्याओं को दूर रखने में भी मदद कर सकता है। तो विटामिन ई हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट फायदा है इसका कि यह नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। हमारे नाखूनों को मजबूत बनाता है, हमारे नाखूनों को फूटने से बचाता है, चमकदार भी बनाता है। तो नाखूनों को अच्छा रखना है तो विटामिन ई काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फायदा है इसका कि यह हमारे दिमाग को, हमारी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ कई लोगों में याददाश्त की समस्या हो जाती है, उनकी मेमोरी वीक हो जाती है, तो ऐसे में अल्जाइमर डिसीज और डिमेंशिया की बीमारी हमें हो जाती है। तो ऐसे में भी अल्जाइमर डिसीज से अगर आपको बचे रहना है तो विटामिन ई से भरपूर आहार लीजिए। तो हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है विटामिन ई। नेक्स्ट फायदा है इसका कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी वजह से हम किसी भी इन्फेक्शन से बहुत ही अच्छे से लड़ पाते हैं। नेक्स्ट फायदा है इसका कि हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। आजकल पोल्यूशन की वजह से काफ़ी समस्याएं हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो अस्थमा में भी काफ़ी फायदेमंद है विटामिन ई। नेक्स्ट फायदा है इसका कि इनफर्टिलिटी में काफ़ी फायदेमंद है। मेल फीमेल हो, इनफर्टिलिटी की अगर आपको समस्या है, आपके स्पर्म की क्वालिटी को सुधारता है, आपके ओवम को टाइम पे रिलीज करने में मदद करता है, तो यह सारी समस्याओं में काफ़ी फायदेमंद है विटामिन ई। नेक्स्ट फायदा है इसका कि यह जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस जैसी समस्या में भी काफ़ी फायदेमंद है। यह इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर है और यह किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन को, सूजन को और दर्द को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट फायदा है इसका कि यह हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल होते हैं उनको कम करने में मदद करता है, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। तो इतने ज़्यादा फायदे हैं विटामिन ई के हमारे शरीर के लिए। अब जानते हैं कि विटामिन ई से भरपूर आहार कौन सा है जिसे हम अपने डेली डाइट में ले सके। तो अगर हम बात करें नट्स की तो सारे ही नट्स में विटामिन ई मौजूद होता है, लेकिन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है बादाम में, पीनट्स यानी मूंगफली और सनफ्लावर सीड्स। अगर यह तीन चीज़ें हम अपने डेली डाइट में अल्टरनेटली लेते हैं तो विटामिन ई की कमी को दूर रख सकते हैं। और व्हीट जर्म ऑयल, उसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगर हम बात करें सब्जियों की तो सब्जियों में, हरी सब्जियों में विटामिन ई होता है और ख़ासकर पालक, कोरिएंडर, टोमेटो और ब्रोकोली, इन चीज़ों में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। अब बात करें फ्रूट्स की तो फ्रूट्स में एवोकेडो, मैंगो, कीवी, इन सारी चीज़ों में विटामिन ई होता है। तो यह सारी चीज़ें हम अपने डेली डाइट में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं विटामिन ई की कमी को दूर रखने के लिए और सप्लीमेंट लेने से बच सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट क्यों, कब और कैसे लेनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि विटामिन ई के कुछ लक्षण अगर दिख जाए तो अपने ही मन से मेडिकल से विटामिन ई की टैबलेट ले आते हैं और खुद से ही लेने लग जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर की डेली नीड होती है 15 mg की। सिर्फ 15 mg ज़रूरी होता है हमें डेली विटामिन ई, और हम लेते हैं 400 mg की टैबलेट। आप ही सोचिए कि 15 mg और 400 mg में कितना डिफरेंस है, हम कितना ओवरडोज लेते हैं और वो भी अपने ही मन से। और फिर ओवरडोज के जब साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं तब जाते हैं हम डॉक्टर के पास। इससे अच्छा है अगर आपको लगता है कि विटामिन ई की कमी है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, फिर विटामिन ई लीजिए। तो इससे आपको ओवरडोज के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ओवरडोज की कई खतरनाक बीमारियों से आप बचे रहेंगे। कई शोध बताते हैं कि अगर विटामिन ई के ओवरडोज लेते हैं तो इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हमें हो सकती है। कैंसर का खतरा भी विटामिन ई के ओवरडोज से हो सकता है, और विटामिन ई के ओवरडोज से कभी कभी मौत भी हो जाती है, और ऐसे केसेस देखे गए हैं, कई शोध बताते हैं। इसलिए सप्लीमेंट को लेने से बचे, हो सके तो प्रकृति ने, नेचर ने जो हमें सोर्सेज दिए हैं विटामिन ई की कमी को पूरा करने के, उसे लें। विटामिन ई की कमी को पूरा करना है तो विटामिन ई से भरपूर आहार लीजिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियो बनाने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक अच्छे से टॉपिक के साथ, सेहत भरी बातें लेकर। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड नमस्कार।